हो हेलो, हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपका ज्योग्राफी का, माइग्रेशन। प्रीवियस चैप्टर में ही माइग्रेशन का मीनिंग समझा था पॉपुलेशन डायनामिक्स के अंदर। सॉरी, तो पॉपुलेशन डायनामिक्स में माइग्रेशन का मीनिंग समझा था ना, आप ज़रा रिमाइंड करा सकते हो मुझे क्या मीनिंग था? मैं भूल गया, मेरी मेमोरी थोड़ी वीक है, मैं भूल जाता हूँ, बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। आप मुझे रिमाइंड करा सकते हो कि क्या था माइग्रेशन का मीनिंग? हाँ सर, आपने कुछ बताया था सर उसके अंदर, पॉपुलेशन कम या ज़्यादा होने के कुछ फैक्टर्स में आपने एक फैक्टर बताया था, बर्थ रेट, डेथ रेट और थर्ड फैक्टर था माइग्रेशन कुछ। हाँ, एक फैक्टर था, लेकिन मैं ये नहीं पूछा फैक्टर था, मैं ये पूछा उसका मीनिंग क्या था। सर मीनिंग, उसका मीनिंग माइग्रेशन, माइग्रेशन तो इसका माइग्रेशन और इमिग्रेशन कुछ ऐसे वर्ड लिखे हुए थे। हाँ, दोनों की मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम नहीं कहता, सिमिलर है। आप किसी का भी मीनिंग बता दो। सर मीनिंग तो याद नहीं, सोचो थोड़ा सा, याद आ जाएगा। सर माइग्रेशन, इमिग्रेशन क्या था सर? अच्छा, सर आपने बताया था सर पॉपुलेशन कम हो जाती है। हाँ हो जाती है, कैसे होती है? इससे पॉपुलेशन कम भी हो जाती है, माइग्रेशन से पॉपुलेशन ज़्यादा भी हो जाती है। कैसे कम होती है, कैसे ज़्यादा होती है? सर ये तो नहीं पता, अरे सोचो ना। सर 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 हाँ सर, याद आ गया। माइग्रेशन मतलब होता है सर किसी इंसान का एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना परमानेंटली। सर अब वो वहाँ पे या तो रहने के लिए चला जाए, या वहाँ पे टेम्प्रेरी फिर कुछ काम के लिए चला जाए, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, जॉब वगैरह पे एम्प्लॉयमेंट के लिए चला जाए, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाना। सिंपल इजी, सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, मूव अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना? अब हो सकता है आप हमेशा के लिए चले जाओ, हो सकता है आप कुछ टाइम के लिए जाओ। जैसे हम बात करें हमेशा के लिए, आप हमेशा के लिए एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहे हो तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन। आप एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हो, उसको बोलते हैं माइग्रेट करना, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं, माइग्रेट करना। तो माइग्रेशन का मीनिंग समझ में आ गया, माइग्रेशन का मीनिंग समझ में आ गया। मैं पढ़ा नहीं रहा अभी इस चैप्टर में कुछ भी, दो तीन टर्म्स हैं वो क्लियर करा रहा हूँ केवल, है ना? सर ये लड़का है। अच्छा ये लड़का, सर कहाँ है लड़का? ये बना रहे हैं लड़के को भी। ये लड़का है, इसकी आँख तो कहीं और ही है। हाँ ये लड़का है, ठीक है सर। ये अच्छी सी पिंकी सी लड़की बना रहे हैं हम यहाँ पे, पिंकी सी लड़की बना रहे हैं, खाती पीती घर की बेचारी हमारी, बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। अरे ये क्या हो गया? बहुत खुश है, ये मम्मी जी हैं हमारी, वो फादर है, ये मदर है ना सर? मदर फादर, हाँ सर। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे हैं नहीं, ठीक है ये तो हो गए, पेरेंट्स हो गए, ठीक है सर। ये दो छोटे चंगू मंगू हैं यहाँ पे, इनके छोटे चंगू मंगू से यहाँ पे, छोटे छोटे चंगू मंगू हुई, छोटू सा, छोटू सा सर, ये छोटू है ये, ठीक है। और एक इनके घर में एक छोटी सी छुटकी है, ठीक है? यानी सर ये छोटी सी क्या है, ये छोटी सी फैमिली है, कि छोटी सी क्या है का सर? इनकी पॉकेट बना दो, ऐसे बंद कर दो सर इनके पेट को भी, ठीक है? ये छोटी सी फैमिली, छोटी सी का एक फैमिली है, ये छोटी सी क्या है, फैमिली है सर। ये कहाँ रहते हैं सर ये लोग? सर इनका नाम तो बता दो। सर ये है सोडी, ये है रोशन भाभी, ठीक है? ये कौन है? अब मेरे को बच्चे का नाम पता नहीं सर, उनकी बेटी तो है नहीं, कोई बात नहीं, एक बच्ची आ गई हमारे यहाँ पे, नई बच्ची आ गई, ठीक है? इसको मान लो जूनियर छोटू, जूनियर सोडी,
और ये हमारी हो गई जूनियर रोशन, है ना। ठीक है, ये लोग रहते थे सर इंडिया के गोकुलम सोसाइटी में। ये लोग कहाँ रहते थे? ये लोग कहाँ रहते थे? इंडिया के सर एक गोकुल धाम सोसाइटी है, GDS लिख देता हूँ मैं, गोकुल धाम सोसाइटी है इंडिया में, ये वहाँ रहते थे। ठीक है, अब एक सोसाइटी में लड़का था टप्पू नाम का, बहुत परेशान, बहुत उदम कर रहा था, बहुत शैतान था, बहुत शैतान, बहुत परेशान करता था इनको, इनके बच्चों को पढ़ने नहीं देता था। इन लोगों ने सोचा कि अभी अगर हम यहाँ पर रहेंगे गोकुलधाम सोसाइटी में तो हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, हमें काफ़ी प्रॉब्लम होगी। इन्होंने कहा कि चलो कहीं और चलते हैं, यहाँ से हम इस सोसाइटी को खाली कर देते हैं, यहाँ से शिफ्ट होके जाते हैं। ये लोग पता है कहाँ जाते हैं? ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग क्या प्लान बनाते हैं, ये शिफ्ट करेंगे बहुत दूर, 7 समुंदर पार, ये सोच रहे हैं, है ना, ये शिफ्ट करने की सोच रहे हैं बेसिकली, है ना, एवरी सिंपल से दे आर मूविंग, है ना, दे आर मूविंग। ये कहाँ मूव करना चाहते हैं? ये दे आर मूविंग टूवर्ड्स, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम सुंदर सी जगह पर जाएं, ठंडी सी जगह पर, गर्मी बहुत पड़ती है इंडिया में। इन्होंने सोचा हम ग्रीनलैंड जाएं। कहाँ जाएं? ग्रीनलैंड जाएं। लोगों ने प्लान बनाया कि ये कहाँ पर जाएं? ग्रीनलैंड जाएं। ठीक है, तो ये जो लोग थे बेचारे, जो लोग ये जो लोग थे बेचारे नहीं कहूँगा मैं, हाँ हैंग हो गया, हैंग हो गया, 2 सेकंड रुको, मेरी ड्राइंग बहुत पसंद आ गई इनको लग रहा है, सिस्टम भी हैंग हो गया। अभी बोलो चल चल कर, चल चल कर, चल चल कर, चल चल कर, ये लोग चल चल कर नहीं बोला, प्लेन में बैठ बैठ कर, 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 कहाँ गए? ग्रीनलैंड आ गए। कहाँ गए? ग्रीनलैंड आ गए। सर इंडिया गोकुलधाम सोसाइटी का क्या हुआ? खाली हो गई गोकुलधाम सोसाइटी, खाली हो गई सर। खाली मतलब अब इनके घर पर कोई नहीं रहता, इनका घर खाली हो गया, इनका घर खाली हो गया। तो ये जो उन्होंने यहाँ से वहाँ तक शिफ्टिंग की ना, इसको बोलते हैं माइग्रेट, माइग्रेट करना, माइग्रेशन। ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? माइग्रेशन, यानी जो मूव किया ना उन्होंने, इधर से मूव किया, इसी को हम क्या बोलते हैं ज्योग्राफी में? माइग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? आई थिंक अब आपको मैंने डेफिनेशन से इतना अच्छा क्लियर नहीं होगा, अब आपको ग्राफ से इसे स्कूल से समझ में आएगा माइग्रेशन मतलब क्या होता है। ठीक है, और ये जो लोग थे ना, ये चारों जो लोग थे, जिन लोगों ने माइग्रेट किया, जिन लोगों ने माइग्रेट किया, इन चारों लोगों को पता है क्या बोला जाएगा? माइग्रेंट्स। इनको क्या बोला जाएगा? माइग्रेंट्स। माइग्रेट करने वाले लोगों को क्या बोलता है? माइग्रेंट्स। इन लोगों को क्या बोला जाएगा? माइग्रेंट्स, यानी माइग्रेंट, माइग्रेट करने वाले लोगों को क्या बोलता है? माइग्रेंट। तो आई थिंक आपको 2 वर्ड क्लियर हो गए, एक माइग्रेशन क्लियर हो गया, माइग्रेशन क्लियर हो गया आपको, माइग्रेशन क्लियर हो गया आपको, माइग्रेंट क्लियर हो गया। ठीक है सर, माइग्रेशन तो आपको लग रहा होगा ये क्या है, माइग्रेशन तो नाउन होता है, माइग्रेशन नाउन होता है, ये नाउन होता है। अगर कोई आपसे वर्ब पूछ ले इसकी, इसकी वर्ब क्या होती है, तो वर्ब को बोलते हैं माइग्रेट करना, माइग्रेट, है ना। तो मैं आपको सारे वर्ड्स अभी क्लियर कर रहा हूँ, मैं अभी आपको वर्ब क्लियर, वर्ड्स क्लियर कर रहा हूँ इसके लिए, तो उसको बोलते हैं माइग्रेट करना, माइग्रेट, पता नहीं क्या समझ आ रहा है, माइग्रेट, है ना। तो 3 वर्ड हो गए आपको क्लियर, माइग्रेट, माइग्रेशन, माइग्रेंट्स। ठीक है सर, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना माइग्रेट बोलते हैं, और पूरी प्रोसेस को माइग्रेशन बोलते हैं। सर जो लोग जाते हैं इधर से उधर, जो लोग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, उनको माइग्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इसको एक और वर्ड बोलते हैं, इसी को हम एक और चीज़ भी बोल देते हैं सर, क्या बताओ बताओ, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन। ठीक है, एक और नया वर्ड आपको मालूम पड़ गया, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन। ठीक है, तो आपको कुछ वर्ड्स मालूम पड़ गए, आपको ड्रॉ करना, ड्रॉ कर लो, बेनिफिशियल रहेगा बाद में आपको।
यार हाँ ये हैंग क्यों हो रहा है? आपको चार्ट ड्रॉ कर लो, आपको याद रहेगा आपको, ठीक है? दो चार्ट बनाना, आप एक मत बनाना। पहले आप तो बताना कि यहाँ पर जो लोग थे, पहले तो आप बनाना यहाँ पर जो लोग थे, फिर दूसरी पिक्चर बनाना नीचे दूसरा डायग्राम कि वो यहाँ से अब यहाँ पर आ गए, ठीक है? वीडियो पॉज करो, पुराना सब पुराना चार्ट तो आपके पास है नहीं। अरे तो वीडियो बैक करो, वीडियो बैक करो, आपको वीडियो बैक करोगे तो आपको चार्ट मिल जाएगा पुराना वाला। अब वीडियो पॉज करके चार्ट बनाने हैं, ठीक है? आई थिंक आपने चार्ट बना लिया, हम आगे थोड़ा चलते हैं और मैं देखता हूँ और क्या वर्ड्स हैं, है ना? चलो नाम ही लिखवा रहा हूँ मैंने क्या इनके, और भी नाम हैं, इनके नाम ही लिख लो अभी हर बार। इमिग्रेंट्स, सेटलर्स, सेटलर्स क्यों बोलते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर सेटल हो रहे हैं ना ये, तो क्या बोलते हैं? सेटलर्स ही बोलते हैं, सेटलर्स, है ना? ठीक है, एक वर्ड और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, ये तो सिंपल माइग्रेशन हो गया, तो सिंपल से हो गया माइग्रेशन हो गया। एक मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं बस सुना समझा रहा हूँ। ये तो माइग्रेशन हो गया, तो माइग्रेशन मैंने स्टार्टिंग बोला था, माइग्रेशन मतलब आप हमेशा के लिए जा रहे हो, लेकिन कभी कभी होता है हमेशा के लिए नहीं आते, कभी कभी के लिए, कभी कभी हम हमेशा के लिए नहीं आते सर, कभी कभी हम कुछ टाइम के लिए आते हैं सर। कुछ टाइम के लिए एग्जाम्पल दो तो, बच्चे हैं, बच्चे पढ़ने के लिए फॉरिन कंट्रीज में चले जाते हैं, हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं, पढ़ने के लिए तो जा रहे हैं सर। कुछ लोग होते हैं कुछ टाइम की उनके साथ जॉब होती है, उनकी जॉब तो पोस्टिंग ही किसी दूसरी जगह पर हो जाती है, दूसरी सिटी में हो जाए या दूसरी कंट्री में हो जाए, कुछ टाइम के लिए तो होती है, हमेशा के लिए तो होती नहीं पोस्टिंग, तो कुछ टाइम के साथ जॉब के लिए कुछ टाइम के लिए चले जाते हैं। तो जब कुछ टाइम के लिए आते हैं, कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए जब हम माइग्रेट करते हैं, कुछ टाइम के लिए जब हम माइग्रेट करते हैं, तो कुछ टाइम के लिए जब माइग्रेट करते हैं ट्रांजिशनल, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल माइग्रेशन, ट्रांजिशनल माइग्रेशन, ट्रांजिशनल माइग्रेशन मतलब क्या? थोड़े समय के लिए, ट्रांजिशनल माइग्रेशन मतलब क्या? थोड़े समय के लिए, ठीक है? अब जितनी वर्ड्स नोट किए हैं जरा इनकी डेफिनेशन और लिखो, माइग्रेशन का मीनिंग लिखो। अगर चार्ट में जगह हो तो यहीं पे एरो बना के लिखते जाओ, अगर चार्ट में जगह नहीं है तो आप एक जगह पर नोट कर लो, ठीक है? तो पहले मैं मीनिंग करूँ माइग्रेशन का, तो माइग्रेशन का मीनिंग लिखो, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना? है ना? और लिखो सेकंड, लिखो माइग्रेंट, सेकंड लिखो माइग्रेंट, सेकंड वर्ड, इसका मीनिंग लिखो। पीपल लिखो, दोज पीपल, दोज पीपल हु माइग्रेट, वो लोग जो माइग्रेट करते हैं, वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, दोज पीपल हु माइग्रेट, हु माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेंट्स, आर कॉल्ड माइग्रेंट्स, यानी जो माइग्रेट करते हैं वो माइग्रेंट्स कहलाते हैं, है ना? ठीक है, थर्ड वर्ड लिखो, थर्ड वर्ड, थर्ड वाले आप बताऊँ आपको, थर्ड वाले किस लोग हुए, थर्ड ऐसे लिखना, यहाँ पर लिखो माइग्रेशन, ठीक है? यहाँ पर वर्सेस करके लिखना, ट्रांजिशनल माइग्रेशन, ट्रांजिशनल माइग्रेशन, ठीक है सर? स्पेलिंग बता दो ट्रांजिशनल की, यहाँ से देख लो बेटा, मेरे को लिखने में टाइम लगेगा। ट्रांजिशनल, अब माइग्रेशन लिखना इसको, ट्रांजिशनल माइग्रेशन, ठीक है? ट्रांजिशनल माइग्रेशन, तो दोनों से लिखने आपने वहाँ पे टेबल में, वीडियो पॉज करके लिखते जाया करो, ठीक है? तो माइग्रेशन मतलब लिखो, टू मूव
इसमें लिखो फॉर, इसमें लिख लो परमानेंट माइग्रेशन। देखो यहाँ पे परमानेंट माइग्रेशन यानी परमानेंट मतलब कि हमेशा के लिए, परमानेंट मतलब कि हमेशा के लिए, परमानेंट माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब होता है हमेशा के लिए जाते हो। ट्रांजिशनल माइग्रेशन के नीचे लिखो टेम्पररी माइग्रेशन। टेम्पररी माइग्रेशन, टेम्पररी मतलब थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी माइग्रेशन। टेम्पररी माइग्रेशन ठीक है, ये काफी सारे वर्ड्स क्लियर हो गए है ना। अब मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखवा रहा हूँ, आपको बैकग्राउंड साउंड आ रहा है ना, जो मैं रुको जरा। वर्ड लिखो, आई मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, मैं एक वर्ड में नहीं लिख पा रहा हूँ। नेक्स्ट लिखो एपॉक्स, एपॉक्स है ना, एपॉक्स लिखो, एपॉक्स लिखो। एजेस, ए जी ई एस। ठीक है, एरा, एरा भी लिख सकते हो, एरा। ठीक है, टाइम, पीरियड, कुछ भी लिखते जाओ, टाइम कॉमा पीरियड, जिससे भी आपको समझ में आए, सारी सुनने में, सारी सुनने में। इसका सिंपल से तो टाइम की बात कर रहा है, पुराने टाइम की बात कर रहा है, पुराने टाइम की बात कर रहा है, पुराने टाइम की है ना। एक और है ना मास माइग्रेशन। तो मास माइग्रेशन मतलब क्या होगा, मैं लिखवा रहा हूँ ये, मैं आपसे बस पूछना चाह रहा हूँ कि आप खुद इसका मीनिंग बताओ मेरे को, मास माइग्रेशन का। सर मैं कैसे बताऊंगी जब तक आप नहीं बताओगे तब तक। अरे मास का मीनिंग आपने पढ़ रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री में, मास और वेट का डिफरेंस जब पढ़ा रहा था, मास का मीनिंग क्लियर क्या था ना। तो मास का मीनिंग क्या है, वो मीनिंग यहाँ पर अप्लाई करो। अरे बताओ मास माइग्रेशन का मीनिंग क्या होगा। सर ये तो मैं भूल जाती हूँ, आपको पता है बेटा, ऐसा पढ़ाई नहीं हो पाएगी। फिर मैं ऑनेस्ट बताऊँ तो आपको, इस तरह से चीज़ें भूलते चलोगे पुरानी चीज़ें तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। सिंपल सी बात है, आपको पुराना याद नहीं है, पिछला याद नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो धक्का मारना पड़ेगा आपको, धक्का मारने से कभी भी गाड़ी ज़्यादा आगे नहीं जाती है। ठीक है, अगर पुरानी चीज़ें भूलते जाओगे तो आपको भी लगेगा कि सर आप पढ़ाते तो ज़्यादा, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और ऐसा होगा फिर, अगर पुरानी चीज़ें याद नहीं रखते चलोगे, पुरानी चीज़ों पर एफर्ट्स नहीं करते चलोगे, बस आगे भागते जाओगे, आगे भागते जाओगे, तो ऐसा लगेगा कि सर सिलेबस तो होता जा रहा है सर आपकी तरफ से, पर मेरे को कुछ नहीं आता और कुछ आएगा भी नहीं। फिर इस तरह से पढ़ोगे तो मास के मीनिंग मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स। मास के अंदर क्या देखते थे, क्वांटिटी। मास के अंदर क्या देखते थे, क्वांटिटी ऑफ एटम्स, क्वांटिटी ऑफ एटम्स। तो मास का मीनिंग मैंने क्या बताया था, क्वांटिटी। हाईलाइट भी करो तो मास के अंदर हम क्या देखते, क्वांटिटी। तो यहाँ पे मास में क्या, क्वांटिटी ऑफ माइग्रेशन यानी नंबर ऑफ पीपल हु आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आप यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह पर गए थे उस टाइम पे। माइस माइग्रेशन मतलब क्या, बहुत सारे लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पर मूव किया था। समझ आया, ये इसका मीनिंग है। डीकोलोनाइजेशन लिखो, डी कॉलोनाइजेशन लिखो। ना ये बेसिकली जस्ट अपोजिट है कॉलोनाइजेशन का। तो सर जस्ट अपोजिट कॉलोनाइजेशन का, तो सर कॉलोनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है आप बताओ। कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या है, अपनी कॉलोनीज बसाना, अपनी बस्तियाँ बनाना, सेटलमेंट करना, ने अपने रहने के लिए जगहें बनाना, कॉलोनीज बनाना। तो डी कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या है, कॉलोनीज हटाना, कॉलोनीज
हटाना, रहने की जगहें बर्बाद कर देना, रहने की जगहें खराब कर देना। तो इसको क्या बोलते हैं, डीकोलोनाइजेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डीकोलोनाइजेशन बोलते हैं। यानी इसका सिंपल सा लिख लो मीनिंग, टू रिमूव द कॉलोनीज, टू रिमूव द कॉलोनीज, टू रिमूव द कॉलोनीज, है ना। आपके टेस्ट तो चल ही रहे हैं, तो आपका एक होमवर्क है। आपका होमवर्क क्या, आप जो इंट्रोडक्शन वाला जो पैराग्राफ है ना, इंट्रोडक्शन वाला जो पैराग्राफ है, आप पूरा पढ़ के आओगे कल, यहाँ तक पूरा पढ़कर आओगे। अभी मैंने समझाया नहीं, आप रीड करके आओगे मेरे पढ़ाने से पहले, आप रीड करके आओगे, ठीक है। वर्ड मीनिंग आपको बताई दिए हैं, तो ये मत कहना सर मेरे को कुछ मीनिंग नहीं आता है। कुछ मीनिंग नहीं आते हैं, गूगल कर लेना, डिक्शनरी डाउनलोड कर लो, उनसे देख लेना अगर आपको वर्ड्स नहीं आते हैं तो। पर ये बहाना नहीं मिलना चाहिए कि सर मेरे को ये मीनिंग नहीं आया, मैं इसलिए नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई। आधा घंटा मुश्किल से लगेगा। अब मैं क्लास बंद करने वाला हूँ, बस ध्यान से सुनो कि आपको घर पे करना क्या है। ये पढ़ना है और वर्ड मीनिंग्स पढ़ने हैं, ठीक है।